15-20 साल पहले जब मैं क्लास 10th में था और मैं सुनता था कि यूपी बोर्ड में अगर किसी बच्चे के 60% आ जाते थे, फर्स्ट डिवीजन आ जाती थी, तो वो बहुत खुश होता था, नाचने लग जाता था कि मेरे 60% आ गए। वहीं हम लोग हंसते थे कि 60% पे इतना खुश हो रहा है, हमारे CBSE में तो 80-85% तक आ जाते थे। तो इस वजह से धीरे धीरे बच्चों का मन यूपी बोर्ड से हटना शुरू हो गया और कहीं ना कहीं वहीं से शुरू हो गई हमारी क्या मॉडरेशन पॉलिसी। क्या होता है मॉडरेशन पॉलिसी? मॉडरेशन पॉलिसी का बेसिक मतलब ये होता है कि ये बोर्ड्स जितने बच्चे के मार्क्स आते हैं अगर वो कम आ रहे हैं अधिकतर बच्चों के, जैसे यूपी बोर्ड में 60% आते थे पहले, आज आपने देखा होगा आज यूपी बोर्ड के बच्चों के मार्क्स भी 85-90% तक इजीली आ जाते हैं। जबकि आपको पता है, मुझे पता है कि यूपी बोर्ड में कितनी अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हो जाता है? जी हाँ, मॉडरेशन पॉलिसी। ऑलमोस्ट सभी बोर्ड में जाने अनजाने बताए बगैर बताए अंदर खाते मॉडरेशन पॉलिसी फॉलो की जाती है और उसके थ्रू कहीं ना कहीं मार्क्स को इंक्रीज कर दिया जाता है। तो बेसिकली मॉडरेशन पॉलिसी क्या होता है, आइए समझते हैं। मॉडरेशन पॉलिसी तीन टाइप से दी जा सकती है, मॉडरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, मॉडरेशन ऑफ आंसर एंड मॉडरेशन ऑफ रो मार्क्स। तो बिल्कुल पहला जो है मॉडरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर है। आप लोगों ने देखा होगा जब सेट्स आते हैं, जब हम पेपर देने जाते हैं तो 3 या 4 सेट एग्जाम में आते हैं। जैसे अब की बार फिजिक्स में क्लास सेट 1 सेट 2 सेट 3, कुछ बच्चों को ऑब्जेक्शन था कि सेट 1 बड़ा मुश्किल आया, कुछ बच्चे बोल रहे थे सेट 3 बड़ा मुश्किल आया। और हर बोर्ड हर सेट के अंदर अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, लेवल अलग अलग होता है, इसलिए बोर्ड ये चेक करता है अगर किसी क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं तो उस सेट के बच्चों को थोड़ा मार्क्स अलग से दे दिया जाता है ताकि सब कुछ इक्वलाइज हो जाए। सेट 3 मान लीजिए आसान था, सेट A मुश्किल था, तो ए सेट वाले बच्चों को थोड़ा मार्क्स को इंक्रीज करके दिया जाता है। अगर 60 आ रहा तो 75 कर दिया जाता है। मॉडरेट पॉलिसी इसको बोलते हैं, किसके लिए? क्वेश्चन पेपर के लिए। ऐसे ही थोड़ा लीनियंसी आंसर्स के लिए भी रखा जाता है। हर बच्चे का आंसर लिखने का तरीका बिल्कुल अलग अलग होता है, कुछ बच्चे किसी तरीके से अपने आंसर को एक्सप्रेस करते हैं, कुछ बच्चे किसी तरीके से। तो हमें यह कहा जाता है कि कुछ लीनियंसी आपको आंसर में भी रखनी चाहिए। अगर बच्चे ने ऑलमोस्ट क्वेश्चन के हिसाब से लिख दिया है तो आप मॉडरेटली उसकी कॉपी को चेकआउट कर दो और उसको मार्क्स दे दो। ऐसे ही आता है मॉडरेशन ऑफ रॉ मार्क्स। अब वही बात आती है, जैसे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, जैसे इस बार फिजिक्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ और ऑलमोस्ट बच्चों के मार्क्स 70 आ रहे हैं, तो इस 70 को एक्सटेंड करके 85 कर दिया जाएगा। किसी के 80 आ रहे हैं तो इसको एक्सटेंड करके 90-95 से ऊपर मार्क्स नहीं दिए जाते इस मॉडरेशन पॉलिसी के अंदर। तो कुछ मार्क्स सबको दे दिए जाते हैं मॉडरेशन ऑफ रॉ मार्क्स पॉलिसी के हिसाब से, ताकि बोर्ड का रिजल्ट अच्छा आए। आप खुद सोचिए, अगर यूपी बोर्ड का रिजल्ट डाउन रह जाए, CBSE का रिजल्ट अच्छा आ जाए, तो कल को कॉलेजेस में भी एडमिशन किसको मिलेगा? CBSE के बच्चों को, और यूपी बोर्ड के बच्चे रह जाएंगे। इससे क्या होगा, लोगों का मन बोर्ड से ख़त्म होने लग जाएगा, वहाँ का बच्चा धीरे धीरे ट्रांसफ़र करने लग जाएगा CBSE की तरफ। इसीलिए हर बोर्ड ये चीज़ करता है, हालांकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये नहीं चाहती। हमारी गवर्नमेंट मॉडरेशन पॉलिसी, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस मॉडरेशन पॉलिसी को ख़त्म कर दीजिए, और बोर्ड भी ये बोलता है कि ठीक है हम ख़त्म करते हैं, लेकिन अंदर खाते थोड़ा लीनियंसी करके वो मार्क्स को देता है। बोर्ड जो हमारी सरकार है या सुप्रीम कोर्ट है, वो मॉडरेशन पॉलिसी नहीं अपनाना चाहती। उसका बेसिक कारण है कि आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी की जैसे कट ऑफ आती है, तो उसमें कई बार कुछ कॉलेजेस में जो टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ कट ऑफ 99-98% तक भी जाती है। 95% वाला बच्चा भी टॉपर है लेकिन उसको उसमें एडमिशन नहीं मिल पाता, मतलब ही ख़त्म हो जाता है 90% लाने का, 92% मार्क्स लाने का, क्योंकि उस बच्चे को उसमें एडमिशन नहीं मिल रहा। तो मॉडरेशन पॉलिसी यहाँ थोड़ा सा
गलत इफेक्ट दिखाए थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट या सरकार कहती है जिस बच्चे को जितने मार्क्स मिल रहे हैं उतने ही मिलने चाहिए, 80 आए तो 80 मिलने चाहिए, 85 आए तो 85, ताकि सबको उसी के हिसाब से उसकी कट ऑफ बने और डिजर्विंग कैंडिडेट को वो कॉलेज मिल सके। इससे क्या फ़ायदा कि किसी बच्चे के 80 आए और हमने 95 शो कर दिया और उसकी वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊँची चली जाए, कि किसी दूसरे बोर्ड में जहाँ अगर मॉडरेशन नहीं किया गया या कम मॉडरेशन किया गया है उसकी वजह से मार्क्स थोड़े उसके डाउन आ गए और वो बेचारा रह गया। अब यहाँ सोच एक और बात बहुत ध्यान देने वाली है कि आप मॉडरेशन मार्क्स को कभी भी ग्रेस मार्क्स मत समझ लेना। ग्रेस मार्क्स वो मार्क्स होते हैं जो बेसिकली, जैसे अगर किसी बच्चे के 15 नंबर आए हैं और 23 नंबर पे वो पास हो जाता है तो अगर गुंजाइश लगती है तो वहां उस बच्चे का करियर ना खराब हो, एक साल वेस्ट ना हो, तो कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर उसे ग्रेस मार्क्स दीजिए। 17 नंबर आए हैं 23 पे पास हो जाता है, 20 नंबर आए हैं 23 पे पास हो जाता है, तो वहां उसको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। ये मॉडरेशन मार्क्स नहीं है, मॉडरेशन होता है 60 को 75, 70 को 85 कर देना, और ग्रेस मार्क्स होता है जस्ट पास करवाना। बच्चा 21 नंबर तक आ गया है और 23 पे वो पास हो जाएगा तो उसे सिर्फ 2 मार्क्स की जरूरत है, तो ह्यूमन ग्राउंड पे उस बच्चे को पास कर दिया, उस मार्क्स को हम बोलते हैं ग्रेस मार्क्स। इसीलिए समझना मॉडरेशन मार्क्स और ग्रेस मार्क्स बिल्कुल अलग अलग बात है। आई होप सो आपको मॉडरेशन का मतलब समझ आ गया होगा। चैनल को लाइक किए, शेयर करिए, मैं इस तरीके की नॉलेज वाली वीडियोस लाता रहता हूँ।